आईडी टीवी प्रेजेंट रविवार को रमेश नगर 7 ब्लॉक में RWA की बैठक हुई, जिसमें पश्चिम जिला के पुलिस उपायुक्त रणवीर सिंह, क्षेत्रीय सांसद अजय माकन, तिलक नगर ACP, कीर्ति नगर SHO रामकिशन, एडिशनल SHO इंस्पेक्टर यशपाल राजकुमार और कांग्रेस से मोती नगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता सहित भारी संख्या में कांग्रेसी और RWA के पदाधिकारी उपस्थित थे। क्षेत्र में हो रही चोरी, अतिक्रमण, ट्रैफिक की समस्या आदि कई मुद्दे DCP के सामने उठाया गया और DCP ने सभी सवालों का और सभी समस्याओं का जवाब हाथों हाथ देते हुए कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का आदेश स्थानीय थाना को दिया। क्षेत्रीय सांसद अजय माकन भी इस अवसर पर क्षेत्र की समस्याओं को सुना और उसके निदान के संदर्भ में बताया। 7 ब्लॉक रमेश नगर RWA के प्रधान नरेंद्र कुमार शर्मा और कीर्ति नगर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार गुरुदेव सिंह को क्षेत्रीय सांसद ने विशेष रूप से कार्यक्रम आयोजित करने के लिए धन्यवाद दिया। अब क्या कह रहे हैं क्षेत्रीय DCP और उन्हें क्षेत्र की जनता क्या बता रही है, आप खुद सुनिए। नगर के बुजुर्गों और बहनों, मैं आपको ब्रॉडली एक्सप्लेन करता हूं कि सिक्योरिटी में करना क्या है, क्योंकि कुछ जिम्मेवारी पुलिस पे छोड़ दीजिए। मुझे काफी सुझाव आ रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं साथ साथ आपसे बात करता रहूं। मेरी जो रिक्वेस्ट है दिस इज फॉर सब लोगों के लिए है। मकसद ये है, हम जनता के सहयोग से सुरक्षा बढ़ाना चाहते हैं और उसमें पुलिस को हमने इनको कुछ नफरी कम होगी और कुछ इनका हो सकता है कि पेट्रोलिंग में कुछ ढीलापन होगा, उसको मैं निर्देश दूंगा कि रात की पेट्रोलिंग इफेक्टिव रहे, एफिशिएंट रहे, मेहनत करें ये लोग भी, और इसमें कोई कोताही हम इनको बता देंगे बर्दाश्त नहीं होगी, समझ रहे, इसमें कोई ढीलापन नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ साथ आप लोगों का भी सहयोग मिलेगा तो अच्छा रहेगा। अब मैं दो पॉइंट्स के बारे में कहूंगा। नंबर वन, जितने टेनेंट्स यहां पे हैं, जितने सर्वेंट्स हैं, उनका वेरिफिकेशन करा लीजिए। अभी मैं बता रहा हूं, कई जगह दो दो तीन तीन साल से नौकर रह रहे हैं और धीरे से घर का सामान लेके गायब हो जाते हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन नहीं होता। उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होगा, उसके फिंगरप्रिंट्स होंगे, उसकी फोटोग्राफ होगी, तो उसके मन में डर रहेगा, तो आप वेरिफिकेशन जरूर कराइए। नंबर टू, आप लोगों की एसोसिएशन से मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा CCTV का एक प्लान बनाइए, लोकेशन हम बता देंगे कि आपको कहाँ लगानी है, ताकि जहां पे एंट्री हो वहां पे उसकी पूरी कवरेज हो। नंबर थ्री, जो प्राइवेट चौकीदार हैं उनकी पूरी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। लाइट का मैं कह ही चुका हूं कि जहां भी एरिया में अंधेरा है उसको आप थोड़ा सा डेसो की मदद से या जो भी महकमे हैं आजकल कर रहे हैं उनकी मदद से आप जो है लाइट का ठीक अरेंजमेंट करिए। और हम ये चाहेंगे कि अगली मीटिंग हो तो ये समस्याएं बिल्कुल सामने ना आए, महिलाएं सुरक्षित रहे। मैं RK डावर कीर्ति नगर से हूँ, तो मैं अपनी जो कीर्ति नगर से रिलेटेड समस्याएं हैं उनके बारे में ही मैं आपके समक्ष प्रार्थना करूंगा कि उसको थोड़ा मॉडिफाई करके उसमें बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए फ्रॉम पुलिस साइड। मेरे पास 5-6 साल से मेड है, मैंने पहली मेड का वेरिफिकेशन का जो फॉर्म भरा था, लेकिन आज तक मैं जब पुलिस स्टेशन भी गया मैंने पूछा भी इसके आके बताओ वेरिफिकेशन में पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो कहते अगर आपको जवाब नहीं आया तो समझो पॉजिटिव है। मैं समझता हूँ ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। ये मैं सुझाव भी देना चाहता हूँ कि जहां पर भी मकान कुछ इस प्रकार के खंडर टाइप के बने हुए हैं वहां पर ये देखा जाए कि वहां पर मिसयूज ना हो। आज ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो उनको जो फ्लूट वगैरह जो नशा दिया जाता है। और कीर्तिनगर मार्केट की पोजीशन ये है कि जहाँ पहले 2 रेड़ियाँ लगती थी आज 50 रेड़ियाँ लगती है। जो बच्चा 1:45 बजे घर पहुँचना चाहिए वो 2:45 बजे पहुँचता है, 1-1 घंटे का जाम होता है सर उस रोड के, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले जो चोरियां हुई थी, मैं अजय माखन जी के पास भाई संजय निजावन जी, भामरी जी और कुछ यहाँ से RW मेंबर्स को लेके गया था कि यदि पुलिस चाहे तो मंदिर के बाहर पड़ी हुई चप्पल भी कोई चोर चुरा के
जा नहीं सकता। उसके बाद मैं थाने में गया कि ये लेडीज कह रही है मुझे रोज धमकाया जा रहा है, मेरे भाई का बच्चा उसको जान से मार देगा, अब यह तो मेरी आखिरी पोजीशन आ गई, मैं कंप्लेंट वापस लूं। आपस में मारपीट का झगड़ा है, एसएचओ को बोल दिया केस आज दर्ज हो जाएगा। मुझे आज बहुत खुशी है कि इस प्रकार की ये मीटिंग यहाँ पे हो रही है। मुझे बताया गया है कि इतनी गैदरिंग इस प्रकार की मीटिंग्स में कभी भी नहीं होती है, मुझे डीसीपी साहब खुद बता रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी एक रिस्पॉन्सिव पुलिस फोर्स भी यहाँ पे है, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे डीसीपी के नेतृत्व में ये पुलिस फोर्स पूरे आप लोगों की होप्स और एस्पिरेशंस के ऊपर खरी उतरेगी।